दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए लोग कई उपाय करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी बातें जिनको करने से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिसे करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पहला उपाय, शुक्रवार को सुबह नहाकर बिना पानी पिए शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। साथ ही ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। शुक्रवार का संबंध शुक्राचार्य से माना जाता है, जो असुरों के गुरु थे और भगवान शिव के परम भक्त भी थे, इसलिए भगवान शिव की पूजा इस दिन लाभदायी मानी गई है। दूसरा काम, इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें और सिंदूर या लाल चंदन से तिलक करें। यह सौभाग्य को बढ़ाता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री का दान करें। तीसरा उपाय, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आटा, चावल और सफेद रंग के कपड़े दान करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। सफेद वस्तुओं पर शुक्र का प्रभाव होता है, इसलिए इनका दान शुभ माना गया है। चौथा उपाय, हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय को पूजनीय माना गया है और बताया गया है कि गाय के सभी अंगों पर किसी न किसी देवी देवता का वास होता है। गाय को पूर्ण रूप में लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए शुक्रवार के दिन गाय की पूजा करें। इससे धन धान्य की कभी आपको नहीं होगी। शुक्रवार को गाय को गुड़ और चना खिलाए, ये आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी होगा।